What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. आज और एक मॉनसून YFL रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, मूंग दाल के भजिए, साथ में मेरी स्पेशल रेड स्पाइसी वाली कोकोनट चटनी। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अमेजिंग लगता है, और साथ में अगर बारिश हो रही हो और साथ में एक कटिंग चाय का ग्लास हो तो इसके अलावा क्या चाहिए आपको एक बारिश वाले मॉनसून डे पे। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। सबसे पहले मूंग दाल के भजिए या वड़े कैसे बनते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीली वाली बिना छिलटे की मूंग दाल ले ली है, ये एक कप दाल ली है। इसको अच्छे से धोकर आपको सोक कर लेना है 4 से 5 घंटे के लिए। तो सोक करने के बाद कुछ इस तरीके की आपकी जो दाल है वो फूल जाएगी। अब इस दाल को आपको कम्प्लीटली छान लेना है, पानी पूरी तरीके से निकाल देना है और फिर ग्राइंड करना है। तो मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दीजिए दाल, पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है ग्राइंड करने के लिए, ये बात का ध्यान दीजिए, और इसको दरदरा पीस लीजिए, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट में आपको पीसना नहीं है। तो अब आप देख सकते हो मैंने दाल को पीस लिया है और दरदरा ही पीसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लीजिए। बोल में ट्रांसफर करने के बाद इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। नमक ऐड करने के बाद इसको भी हल्का सा आपको बस विस्क करना है, हल्का सा फेंटना है, बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है। ज़्यादा अगर एयर इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो वड़ों का जो टेक्स्चर है वो चेंज हो जाएगा। 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च और 8 से 10 चॉप किए हुए कड़ी पत्ते। अब यहाँ पर मैं 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च ले रहा हूँ और हमाम दस्ते में इसको दरदरा कूट रहा हूँ। फ्रेशली दरदरा कूट के ही आपको काली मिर्ची ऐड करनी है, ये गेम चेंजर है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। काली मिर्च भी ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को आपको बस मिला लेना है अच्छे से। एक बार आप सारी चीज़ें मिला लें तो आपका जो बैटर है मूंग दाल के भजिए का वो रेडी हो गया है। अभी इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल मॉडरेटली गरम होना चाहिए और मीडियम हाई फ्लेम पर ही आपको इन मूंग दाल के भजियों को तलना है। एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, अपना हाथ उसमें डिप कर लीजिए और अभी ऐसे छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं आपको लेने और बस केयरफुली आपको ड्रॉप कर देना है तेल के अंदर। आपको शेप करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप शेप पकड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से आप सारे मूंग दाल के जो भजिए हैं वो ऐड कर दीजिए तेल में और अभी मीडियम हाई फ्लेम पर इसको क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। तो आप देख सकते हो हमारे भजिए एकदम क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अभी इन्हें निकाल दीजिए, निकाल कर एक छन्नी में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि इसका एक्सेस ऑयल ड्रेन ऑफ हो जाए और हमारे मूंग दाल के पकोड़े या भजिए रेडी हो गए। तो मूंग दाल के भजिए, वड़े या इनको पकोड़े कह लो, कई नामों से आप बुला सकते हो इनको, वो तो रेडी हो गए हैं। एक क्विक चटनी बना रहा हूँ। चटनी पहले ही बना के रख देना, गरम गरम फ्राई करना वड़ों को साथ में सर्व करने के लिए। मैं अभी आपको खाली बना के बता रहा हूँ कि ये वाली जो स्पेशल रेड चटनी है वो कैसे बनती है। मेरे घर के पास मिलती है और मुझे बहुत पसंद है, वो वाली चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च ले लो और इन्हें एक पैन में अच्छे से टोस्ट करना है, धीमी आंच पर, जब तक जो मिर्चियाँ हैं वो एकदम परफेक्ट तरीके से टोस्ट नहीं हो जाती हैं। 2-3 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिए कि तेज़ आंच पे इन मिर्चियों को नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएंगी। एक बार मिर्चियों को आपने अच्छे से टोस्ट कर लिया है, इन्हें एक प्लेट में या बोल में ट्रांसफर कर लीजिए और ठंडा कर लीजिए पीसने से पहले। अब एक मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, इसके अंदर इन मिर्चियों को ट्रांसफर कर दीजिए। साथ ही में 1 कप यहाँ पर मैंने नारियल ले लिया है, 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 10 से 15 पुदीने के पत्ते, 2 से 3 तीखी वाली हरी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून इमली का पल्प ले लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक और थोड़ा सा पानी ग्राइंड करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को एकदम फाइन पेस्ट में पीस लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने इनको पीस लिया है साथ में और हमारी जो रेड कोकोनट स्पाइसी चटनी है वो रेडी हो गई है। चटनी जो है बहुत ही टेस्टी लगती है स्पेसिफिकली ये वड़ों के साथ, बाकी आप वड़ा पाव और अलग अलग भजियों के साथ भी खा सकते हैं। दोनों चीज़ें सेट हो गई हैं, इसको प्लेट कर लेते हैं अभी YFL स्टाइल। तो इसी तरीके से मॉनसून्स में मूंग दाल के पकोड़े बनाओ, साथ में चटनी बनाओ और मज़ा लो, साथ में कटिंग चाय पियो, बारिश हो रही हो,
मज़े लो बारिश के और इन्जॉय करो ये रेसिपी। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस मूंग दाल पकौड़े विद माई रेड स्पाइसी चटनी रेसिपी एट योर होम ड्यूरिंग दिस मानसून सीजन। चीयर्स।